हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो हमारा डे वन है आज गणेश चैप्टर 3 में। सो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। मैंने इसमें प्रैक्टिस मोड लेके रखा है क्योंकि मैं आपको इस हाउस को एक्सप्लोर कराने वाली हूँ आज की इस वीडियो में। सो मेरे इस वीडियो में कंटिन्यू रहना, जिससे आप इस हाउस को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर पाओ। अगर आप इसको पहली बार खेल रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको नीचे एक लॉक पिक मिलेगी गाइस। अगर जिसने भी ये गेम नहीं खेला है, गेम चैप्टर थ्री, फटाफट से डाउनलोड कर लो और नीचे यहाँ पे एक लॉक पिक मिलेगी, उससे इस वाले को खोलना है। आपको ग्रैनी के सीक्रेट्स एंड जो स्केलेटन होता है एंड जो बुक्स होते हैं बताऊंगी। सो गाइस, इस वाले जिन्होंने भी ये वाला गेम खेला है, उसमें आप इस रूम में तो गए होंगे, तो आपने ये यहाँ पे एक स्केलेटन मिलेगा। ये मेरे जैसे अभी हम इस गेम में हैं, वैसे भी ये बंदा इस गेम में था। ग्रैनी ने इसको घायल कर करके मार मार के इसका भर्ता बना दिया। आप देख सकते हैं ये वाला आदमी, इसी की वो कहानी है। और सेकंड जो स्लेंडरिना है, इस गेम में आपने स्पाइडी, जिन्होंने भी ये गेम खेला है, इस गेम में स्पाइडी आपको दिखा नहीं होगा क्योंकि स्पाइडी इस गेम में मर चुका है, इसलिए स्लेंडरिना हमें परेशान करती है। बाकी गेम में जो ग्रैंड चैप्टर 2 है उसमें स्पाइडी होता है, इसलिए स्लेंडरिना उसमें नहीं होती। स्पाइडी हमने मार दिया ग्रैंड चैप्टर 2 में, तो आपको स्लेंडरिना की रोने की आवाज़ आएगी। तो अभी हमें वहाँ पे एक एक्सीलेटर मिला था, उसका यूज़ तो मेरे को पता नहीं है वैसे। अब आप सोच रहे होंगे वीडियो क्यों बना रही हूँ। अरे गाइस, मैं आपको एक्सप्लोर करने वाली हूँ। सो यहाँ पे आपको लॉक पिक का वो नज़र आएगा, इससे आप इसको खोल सकते हैं। जैसा मैंने बताया था कि हम इसे खोल सकते हैं। इस पर अपने आप ही ऑप्शन आ जाएगा, उसको प्रेस करना है, ऐसे खोलना है। इसको ओपन किया तो यहाँ पे एक गेट मिलेगा और यहाँ पे पीछे मुड़ोगे तो आप एक ये लॉकर दिखाई देगा। इसमें से कुछ नहीं, इसके लिए बस सेफ्टी चाहिए। ये ग्रैनी का प्लान है। आपको बता दूँ, अगर ग्रैनी पास नहीं दिख रही, या आपने हार्ड या इजी या नॉर्मल मोड लेके रखा है, आप इसको दबाओगे तो आप ग्रैनी को, मतलब ग्रैनी आएगी, फिर आपके पास जो भी ग्रैनी के लिए प्रैंक है आप वो कर सकते हैं। सो आपको इस गेम में ड्रॉज भी चेक करनी है। ये देखो, हमें मैचेस मिल रही है तो यहीं डाल दें। अभी छत पे चलते हैं क्योंकि छत आपको दिखानी है। अगर जिन्होंने भी ये गेम नहीं खेला है, छत दिखानी है। हाँ गाइस, जिन्होंने भी ये गेम नहीं खेला है, नॉन प्लेयर्स के लिए मैं कह दूँ, अगर आपको ये गेम खेलना है तो सबसे पहले आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी इंटरनेट पे, हार्ड या इजी मोड या नॉर्मल मोड की वीडियो। अगर आपको उसको देखकर डर लगता है, या अगर आपको डर लगता है, तो आप प्रैक्टिस मोड लगा के खेल सकते हैं, या फिर आपकी या कोई सा भी मोड लगा के कर सकते हैं। तो और जिन्होंने ये हार्ड मोड में वगैरह मोड में खेला है, वो तो इस पूरे घर को एक्सप्लोर कर पाएंगे। ऊपर ये यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। हाँ गाइस, यहाँ पे आपको एक कवर मिलेगा। ये देखो, अगर आप इसको टच करोगे तो ये आपको मारेगा। यहाँ पे एक हैंड का ऑप्शन आएगा,
ये हैंड का जो ऑप्शन आएगा ना आप पे, उसको अगर आप उसको क्लिक करोगे, देखो मैंने क्लिक कर दिया, देखो ये मेरे को मार रहा है। अब हमें नीचे से ओवन वो जो वो होता है ना, क्या कहते हैं जलाते हैं, जो उसका नाम भूल गई, गैस गैस तो मुझे चलते हैं माचिस। अरे नहीं छोड़ दो बताने को, जो कुछ भी होता होगा इसमें कुछ भी मत बोलो यार। तो यहाँ पे कभी कभी आपको कुछ सामान भी मिल सकता है। अरे खत्म, टाटा बाय बाय। फिर से हमें गेट खोलना पड़ेगा। हाँ हम आपने गाइस सोच रहे होगे मैंने नीचे का नहीं दिखाया, नीचे का जरूर दिखाने चलते हैं। यहाँ पे आपको ये मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए क्रोबार चाहिए होगा। बाई चांस अगर आप इजी मोड या किसी कोई से भी मोड का खेल रहे हो, ग्रैंड ही आए, अगर आप उसे बचना चाहते हो तो आप इस पे ऐसे मुँह लगा के ऊपर चढ़ जाओ, तो ग्रैंड आपको कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन आप बैठोगे तो ख़त्म, आप मर जाओगे इस गेम में। या अगर आप नॉन प्लेयर्स को बता दूँ, अगर ग्रैनी आए तो आप इसमें छुप सकते हैं। आपको इसके लिए हैमर चाहिए होगा, इससे आपको अंदर शायद कुछ मिल जाए, आपको ही परेशान करेगा। अगर आपके पास कॉइन है और आप इसमें डालोगे एक सेकेंड बताती हूँ, इसमें डालोगे तो आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करेगा, मतलब ये अपनी जगह पे खड़ा हो जाएगा, अब भी नहीं आएगा। फिर टिकट दिखा दोगे, इसको दबाओगे तो ये गेट खुल जाएंगे। फिर इस गेट को खोलोगे, ये ग्रैनी बहुत चालाक है, इसको खोलोगे तो आवाज़ कर देगा, इसलिए ग्रैनी आ जाएगी। और यहाँ और देखो मेरे शूज भी मिल चुका है। यहाँ पे कभी कभी हमें ना चीज़ें मिल जाती हैं, अगर यहाँ पे कोई चीज़ मिल गई तो यहाँ पे एक भी चीज़ नहीं मिलेगी शायद। और ये जो रोबोट है ना पी करता है, तो हमें बहुत ही परेशान कर देता है, इससे वो कर देगा हम परेशान। इसके लिए पैटलॉक की चाहिए, अगर आपको एक और चीज़ बता दूँ, पीछे एक रास्ता होता है किचन का, उसमें आपको कभी कभी कुछ मिल सकता है। ये गेट बंद है, इसमें पीछे वाले ड्रॉअर में कुछ ना कुछ तो होगा या अगर आप खेल रहे हो तो, मेरे वाले में अभी तक नहीं निकला कुछ भी। देखो आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, इस अगर आप प्रैक्टिस मोड पे हैं या किसी भी मोड पे हैं, ये साउंड आपको डरा सकता है। अगर आपको इस गेम को खेलने में डर लग रहा है या आपको इस गेम का वो एक्सप्लोर करना है, तो आप प्रैक्टिस मोड कर सकते हैं। जो गेम, हाँ गाइस, अगर इस लिफ्ट से अगर आपके में लिफ्ट वर्क करती है, एंड आपको बता दूं, अगर आपको मैं बता दूं तो जो हमारा आप अगर जिसने भी ये गेम खेला है वो अक्सर उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी होगी और आप उसमें गए होंगे, और तो उसमें आपको गड़ने की कुर्सी मिलेगी। इसका आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि उससे क्या होता है। उससे जो हमारी जो ग्रैनी जब ओल्ड थी, मतलब हम जैसे इंसानों की तरह अच्छी थी, भोली भाली थी, वो तब उस पर बैठा करती थी, उसके पांव वर्क नहीं करते थे, और उस स्लेंडिना की वजह से ही वो ग्रैनी हमारी जो ग्रैनी है
वो हमारी वजह से ही मतलब सरिंडीना के वजह से ही ऐसा हो पाया है। और यहाँ पे आपको फायरवुड रख देंगे और आग जलाने के, और जल्दी से ऊपर चलोगे तो वो कौवा वहाँ से गायब हो जाएगा और आप आगरा और आपको जो भी चाहिए आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जो ग्रैनी की बुक्स की बात कर रहे थे, मैं चलूँगा भाई। तो गाइस अब जो बुक्स थी वो जो लिफ्ट है ना वहाँ पे जो बुक्स थी उसके बारे में बता दूँ, वो ग्रैनी उनसे ना ब्लैक मैजिक करती है। इधर से आराम से आप कूद सकते हो, अगर आप ऐसे गिरोगे तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। और जल्दी मैं ग्रैंड चैप्टर टू के भी सीक्रेट्स लेके आ जाऊंगी। ऊपर से रास्ता आपको मिल नहीं रहा था इसलिए मैं कूद के आ गई, लेकिन मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप इसे आराम से एकदम जगह आराम से शेड की ढूंढनी है और ये वाला गेट खोल देना अक्सर। हाँ, और आप फिर आप इसको इस रूम में लें, पीछे आपको कभी कभी प्लांट मिल सकते हैं। इनमें भी कुछ निकलता है कभी कभी स्लेंडरना का टेडी। अब भी चाहिए स्टैंडिंग ना, उसकी आत्मा वहाँ निकल के आ जाएगी, वो पैडलॉक ही छोड़ जाएगी अगर हमें वहाँ जाने का रास्ता मिल गया तो। फिलहाल तो अभी देखना पड़ेगा, मेरे को ढंग से पता नहीं है कि वहाँ के जाकर अभी पता, मेरे को ढंग से ना इस रैनी का घर के रास्ते पता नहीं है। अच्छा, आपको हर एक फ्लोर पे ये ड्रॉर्स मिलेंगे, आपको इनको चेक कर लेंगे। पर टॉप फ्लोर पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको अंडा मिलेगा, अंडा मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। काश काश नहीं जा पाऊँगी, मुझे तो पता है। जाओ, अरे यार फिर से जाना पड़ेगा। ओ माही यार, वहाँ आगे जाने का रास्ता। अरे यार गाइस, प्लैंक तो हमें मिल नहीं रही है, अब हम क्या करें गाइस? जो भी प्लैंक ढूंढनी पड़ेगी तब तक के लिए 1 2 3 बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Put it to start.